मनोज काका जी, इसकी आप ही की रिपोर्ट पार्टी की दी समाजवादी जाए, नेत्री की ओर से कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष इस बात को स्वीकार करे कि अगर वहां पर शिव से जुड़े हुए कोई भी निशान मिलते हैं तो फिर वहां पर जो नमाज अदा की जाएगी वो यकीनन खुदा को मंजूर नहीं होगी। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को खुद ही आगे बढ़कर उस जमीन को हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी क्या उनके इस राय से इत्तफाक रखती है? आप ही की वो नेता हैं मनोज काका जी। देखिए, चित्रा, समाजवादी पार्टी के एक अधिकृत लोग हैं, जो कोई बयान देते हैं तो उस पर समाजवादी पार्टी, अब ये किसने बयान दिया है इससे समाजवादी पार्टी का स्पष्ट पक्ष है। जो आप कब से आपके मंच के माध्यम से पूरा देश यही जानना चाह रहा, जैसा कि आप अपने कार्यक्रम के प्रारंभिक संदर्भ में बताया कि कोई ये दावा कर रहा है कि वो फब्बारा है, कोई ये दावा कर रहा है कि शिवलिंग है। सवाल ये है कि ये तो सब ज्यूडिस है, न्यायालय में प्रक्रिया है, तो न्यायालय से जो विवाद का अगर निपटारा हो जाए, कोई न्यायिक निर्णय है, उसी का सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आपकी तरह और जो देश भर में ये जो चर्चा लाई जा रही है वो इसके आड़ में लाई जा रही है कि आज रुपया 16 पैसा और टूट करके 77 रुपया डॉलर के मुकाबले 77 रुपया 60 पैसा हो गया। आज देश में 24 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है। और आपने तो ग्रामीण भारत का भी दौरा किया है, आपने देखा है कि वहीं चंदौली में किसानों की क्या हाल है, बनारस में हाँ। किसानों की क्या हालत है। जहां पर आप खड़ी होकर के दशाश्वमेध घाट पे आप कार्यक्रम कर रही हैं, वहीं 80 घाट पे एसटीपी प्लांट, जो भारतीय जनता पार्टी पहले ये नारा दिया करती थी देश को कि माँ गंगा ने बुलाया है। जो मुद्दे आप गिना रहे हैं वो मुद्दे महत्वपूर्ण है मनोज काका जी, लेकिन ये जो मस्जिद से जुड़ा हुआ विवाद है, क्या इसका सच सामने आना चाहिए या यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए? अगर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है तो वो सच आना चाहिए, या फिर जो मुद्दे आप गिना रहे हैं वो मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ देना चाहिए, जैसे कई सौ सालों से पड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि इसको छोड़ दिया जाए? चित्रा, बिल्कुल चित्रा, वो आना चाहिए, लेकिन सत्ता के सामने इतने ना घुटना टेकिए आप, कम से कम पत्रकारिता के कुछ जो मानक हैं उसके बरक्स खड़े रहिए। मैं कह रहा हूं कि न्यायिक निर्णय पे किसको आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं है। जो मामला सब ज्यूडिस है, अगर न्यायालय से कोई निर्णय आता है तो उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा को बेचते बेचते बेचारे माँ गंगा का तो उद्धार कर नहीं पाए। सानंद स्वामी ने मां गंगा के अविरल होने और निर्मल होने का सवाल खड़ा किया, उत्तराखंड में वो धरना करते करते बिचारे दिवंगत हो गए। आप जहां पे खड़ी हैं वहीं अमितेश्वरानंद जी ने कितने मंदिरों को बनारस में तोड़ा गया। उन्होंने सनातन धर्मी व्यक्ति हैं, एक संत हैं, उन्होंने अमितेश्वरानंद जी ने आंदोलन चलाया, कोई भारतीय जनता पार्टी का एक उनके पक्ष में नहीं आया। और जो लोग अंग्रेजों के माफीनामे के किराए पर जिनकी विचारधारा हो, उनसे इस देश में क्या उम्मीद की जा सकती है?